तो हाजिर है हम दोबारा आपके सामने नई रेसिपी के साथ। तो आज हम बनाने वाले हैं चिकन का पुलाव, बहुत ही मजेदार। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर किचन कोकनी बाइट्स। कैसे हैं आप सब? मैं हूं ज़ैनब कोनकरी, स्वागत है आपका हमारे किचन में। सबसे पहले हमने चिकन ले लिया है, आप बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं, ये मिक्स है, हड्डियों वाला चिकन है। उसमें मैंने ऐड कर लिया है 1 से 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, ये हमने ऐड किया है ग्रीन चिली पेस्ट 1 चम्मच ही हमने ऐड किया है, और नमक। तो अपनी हाथों की मदद से हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मैरिनेट करके रख देंगे 1 से 1.5 घंटा। हमने चावलों को भी अच्छी तरीके से धोकर भिगो के रख दिया है। आप चाहे तो इसके लिए बिरयानी के चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है अनियंस 3 मीडियम साइज के अनियन जिसे हमने चॉप कर लिया है। ये मसालों में लगने वाला है मैगी क्यूब, और कसूरी मेथी, नमक और धनिया पाउडर, और ये हमारा बिरयानी मसाला जो कि होममेड है। हम जल्दी आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करेंगे। लगने वाला है दही और कुछ खड़े गरम मसाले, हरी मिर्चें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए ले लीजिए एक बर्तन कढ़ाई जिसमें हमने बनाना है पुलाव। उसमें हम ऐड कर लेंगे तेल, तेल हमने 2 से 3 बड़े चम्मच ऐड किया है, और हल्का सा हमने इसमें 1/2 चम्मच घी भी ऐड किया है, देसी घी। ये खड़े गरम मसाले, ज़ीरा, शाह ज़ीरा और छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च, और हमने ऐड किया है तेज़पत्ता, और ये हरी मिर्चें हैं जो कि हमने स्लिट करके ऐड कर ली है। तो जैसे ही गरम मसाले तड़कने लग जाए उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अनियंस जो कि हमने चॉप करके रखे थे। अनियंस को आप फाइन चॉप भी कर सकते हैं, हमने इस तरीके से इसे चॉप कर लिया है 2 से 3 साइज़ के, हमने आपको बताया। अनियंस ऐड करने के बाद हमें गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेना है, और अनियंस को हमें ट्रांसलूसेंट होने तक, इतना कि एकदम गल जाए और पिंकिश कलर में आ जाए, इतना हमें कर लेना है। बेसिकली अनियंस अच्छे से कुक हो जाने चाहिए। ओके, तो अब इसके बाद हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। हमने चिकन को लगा के रखा था 1.5 चम्मच, अब हमने इसमें ऐड किया है 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और ग्रीन चिली पेस्ट 1/2 चम्मच। इन्हें भी अच्छे से भून लेंगे, इनकी स्मेल अच्छी से चली जानी चाहिए। उसके बाद हम आगे के मसाले इसमें ऐड करेंगे। लगभग 2 से 3 मिनट हमें लग जाएंगे। अब इसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे चिकन, ये हमने मैरिनेट करके चिकन रखा था उसे हमने ऐड कर लिया है। चिकन को भी हम अच्छी तरीके से भून लेंगे अनियंस के साथ, और ये हमने ऐड किया है आलू, 1 मीडियम साइज़ का आलू हमने इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे हमें कर लेना है अनियंस के साथ अच्छे से भून लेना है चिकन को, चिकन का कलर चेंज होने तक। चिकन का कलर जैसे ही चेंज हो जाएगा हम ये सारे मसाले जो आपको बताए थे, कसूरी मेथी, नमक, धनिया पाउडर और बिरयानी मसाला, वो ऐड कर लेंगे और इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे हम। बहुत बिरयानी मसाला जो हमारा ये बहुत ही बेहतरीन है, आप ज़रूर ट्राई करना। हम बहुत ही जल्द इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। अब ये मैगी क्यूब है, ये जो चिकन के पुलाव को ऐसा टेस्ट देता है ना, आप ज़रूर ट्राई करके देखना। चिकन के पुलाव में मैगी क्यूब ज़रूर ऐड करें। अब इसमें है, हमने ऐड कर लिया है दही, दही बहुत ही थोड़ा हमने ऐड किया है इसमें, लगभग 1 चम्मच जितना। अब ये पानी जो है दही का हमने इसमें ऐड कर लिया है, और चिकन को फिर से भून लेना है हमें, ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाते रहना है। इससे क्या होगा कि चिकन हमारा ऑलमोस्ट कुक हो चुका है, अगर चम्मच लगने से वो टूट भी सकता है, ज़्यादा नहीं, हमें बस इतना मिक्स करके उसे साइड में रख देना है। बस अब हम इसे ढककर रख देंगे लगभग 7 मिनट तक, इतना कि जो दही है उसका पानी सूख जाए और तेल रिलीज हो जाए दही का ऊपर। अब इसमें हमने ऐड किया है चिकन, एवरेस्ट का चिकन मसाला, ये भी बहुत थोड़ा ऐड करेंगे हम, ज़्यादा नहीं ऐड करना है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है, इसके बिना भी आपका जो पुलाव है वो एकदम बढ़िया बनने वाला है। तो चलिए इसे भी कर लिया है हमने मिक्स, अब ढककर रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अब देख सकते हैं इसका तेल बहुत ही अच्छे से ऊपर आ चुका है, साइडों से आप देख सकते हैं। अब इसमें ऐड कर लेना है फाइनल स्टेप जो कि है हमारे राइस। राइस हमने इसमें ऐड कर लिए है। राइस ऐड करने के बाद अगर आपकी क्वांटिटी राइस की, अगर आपने 1 कप राइस लिया है तो आप इसमें 1.5 कप ही पानी मिलाएं, ज़्यादा पानी नहीं मिलाना है, पुलाव खिला खिला बनेगा इससे। अगर आपने ज़्यादा पानी मिलाया, जैसे कि 1 के लिए 2 ग्लास पानी,
तो आपका पुलाव नरम हो सकता है। अब इसमें हमने ये ऐड किया है पुलाव पत्ती, आप नहीं चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे ढककर हमने रख दिया है पानी सूखने पर दबाने के लिए। तो देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग बेहतरीन पुलाव बनकर रेडी हो चुका है। तो ये पुलाव की रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं और ट्राई करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।